वरपाटन में एक महिला के साथ एटीएम फ्रॉड की वारदात हुई है, जहां आरोपी युवक पैसे निकालकर मौके से फरार हो गया और पुलिस सेनाक्ष में जुटी हुई है। अमरपाटन में सब्जी मंडी स्थित यूनियन बैंक एटीएम में एक युवक ने एटीएम बदलकर 25,000 की ठगी कर दी। बता दें कि महिला एटीएम से पैसे निकालने गई थी। इसी दौरान पीड़ित महिला ने आरोपी को एटीएम से पैसे चेक करने को कहा, तभी आरोपी ने महिला का एटीएम बदल लिया और 25,000 रुपये निकालकर मौके से फरार हो गया। इस वारदात के बाद पीड़ित महिला अमरपाटन थाना पहुंची और घटना की सूचना पुलिस को दी। आरोपी की तलाश में पुलिस ने घटना का सीसीटीवी फुटेज खंगाला और उसी के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं से सर हम चेक कर रहे थे, हाँ। तो चेक कर रहे थे तो बोले कि भैया, वो बोला कि सर्वर नहीं है इसमें, वो अपना एटीएम डाला, वो फर्जी एटीएम लिया था। तो वो चेक किया, अभी मैं मोबाइल मांगी लड़की से, लड़की बाहर खड़ी थी, मैं इसे थोड़ा दरवाजा खोल के रखा, फिर दे वाली मोबाइल फिर मांगी, तो इतने में एटीएम कार्ड ही चेंज कर दिया, अपना वाला कार्ड मेरे को दे दिया और वो मेरा वाला कार्ड लेके चला गया। 25,000 रुपये, 10-10 हज़ार एक दो बार में निकाला, फिर एक बार 5,000 रुपये। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।